आजादी के पावन पर्व की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सपनों को संकल्प के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके देश नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज का सूर्योदय एक नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा उसको लेकर के आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में 12 वर्ष में एक बार नील कुरिंज का पुष्प उगता है। इस वर्ष दक्षिण की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हमारा नील कुरिंज का पुष्प जैसे मानो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र की तरह देश के आजादी के पर्व में लहलहा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये पर्व हम तब मना रहे हैं जब हमारी बेटियां उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की हमारी बेटियों ने 7 समंदर पार किया और 7 समंदर को तिरंगे रंग से रंग करके वो हमारे बीच लौट आई। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का पर्व आज उस समय मना रहे हैं। एवरेस्ट विजय तो बहुत हुए हैं, अनेक हमारे वीरों ने, अनेक हमारी बेटियों ने एवरेस्ट पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया है, लेकिन इस आजादी के पर्व पर इस बात को याद करूंगा कि हमारे दूर सुदूर जंगलों में जीने वाले नन्हे मुन्ने आदिवासी बच्चों ने इस बार एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहरा करके तिरंगे झंडे की शान और बढ़ा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी अभी लोकसभा राज्यसभा के सत्र पूरे हुए और आपने देखा होगा कि सदन बहुत अच्छे ढंग से चले और एक प्रकार से संसद के ये सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित थे। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, उनके हकों की रक्षा करने के लिए हमारी संसद ने संवेदनशीलता और सजगता के साथ सामाजिक न्याय को और अधिक बलवत्तर बनाया। ओबीसी आयोग को सालों से संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी, इस बार संसद ने पिछड़े अति पिछड़ों को उस आयोग संवैधानिक दर्जा देकर के, एक संवैधानिक व्यवस्था देकर के उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। हम आज उस समय आजादी का पर्व मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो,
आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ऐसे एक सकारात्मक माहौल में सकारात्मक घटनाओं की श्रृंखला के बीच आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए पूज्य बापू के नेतृत्व में लक्षावधि लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, जवानी जेलों में गुजार दी। कई क्रांतिकारी महापुरुषों ने फांसी के तख्त पर लटक करके देश की आजादी के फांसी के फंदों को चूम लिया। मैं आज देशवासियों की तरफ से आजादी के इन वीर सेनानियों को हृदय पूर्वक नमन करता हूं, अंतर पूर्वक प्रणाम करता हूं। जिस तिरंगे झंडे की आन बान शान हमें जीने जूझने की मरने मिटने की प्रेरणा देता है, उस तिरंगे की शान के लिए देश के सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हमारे अर्धसैनिक बल जिंदगी खपा देते हैं, हमारे पुलिस बल के जवान सामान्य मानवी की रक्षा के लिए दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं सभी सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस के जवानों को उसकी महान सेवा के लिए, उनकी त्याग तपस्या के लिए, उनके पराक्रम पुरुषार्थ के लिए आज तिरंगे झंडे की साक्ष में लाल किले की प्राचीर से शत शत नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन दिनों देश के अलग अलग कोने से अच्छी वर्षा की खबरें आ रही हैं तो साथ साथ बाढ़ की भी खबरें आ रही हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिन परिवारों को अपने स्वजन खोने पड़े हैं, जिन्हें अपने मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, उन सब के प्रति देश पूरी शक्ति से उनकी मदद में खड़ा है और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख में मैं सहभागी होता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बैसाखी हमारे जलियांवाला बाग के उस नरसंहार को 100 वर्ष हो रहे हैं। देश के सामान्य लोगों ने देश की आजादी के लिए किस प्रकार से जान की बाजी लगा दी थी और जुल्म की सीमाएं कितने लांग चुकी थी। जलियांवाला बाग हमारे देश के उन वीरों के त्याग और बलिदान का हमें प्रेरणा का संदेश देती है। मैं उन सभी वीरों को हृदयपूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। पूज्य बापू के नेतृत्व में अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीर पुरुषों ने, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अनेक नौजवानों ने, सत्याग्रह की दुनिया में रहने वालों ने जवानी जेलों में काट करके हमें देश को आजादी दिलाई। लेकिन आजादी के संघर्ष में सपनों को भी संजोया है, भारत के भव्य रूप को भी उन्होंने मन में अंकित किया है। और आजादी के कई वर्ष पहले तमिलनाडु के राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने सपनों को शब्दों में पिरोया था और उन्होंने लिखा था, एलारूम अमर निलियई
ஐடும் நன் முறையை இந்தியா அலிகிரிக்கு அளிக்கும், இந்தியா உலாகிரிக்கு அளிக்கும். யானைக்கு பாரத் உன்னு ஆஜாதிக்கு பாத் கா சப்னா தேக்கா தா. சுப்ரமணியம் பாரதினே கா தா பாரத் பூரி துனியாக்கு ஹர் தரக்கு பந்தனோ சே முக்தி பானே கா ராஸ்தா திகாயேகா. மேரே பியாரே தேசவாசியோ, இன் மகாபுருஷோ கே சப்னோ கோ பூரா கர்னே கே லியே आजादी के सेनानियों की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए, देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आजादी के बाद पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत ने एक समावेशी संविधान का निर्माण किया. यह हमारा समावेशी संविधान एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के आया, हमारे लिए कुछ जिम्मेवारियां लेकर के आया है, हमारे लिए सीमा रेखाएं तर कर करके आया है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को, हर तबके को, भारत के हर भूभाग को समान रूप से अवसर मिले आगे ले जाने के लिए, उसके लिए हमारा संविधान हमें मार्गदर्शन करता रहा है. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा संविधान हमें कहता है, भारत के तिरंगे झंडे से हमें प्रेरणा मिलती है, गरीबों को न्याय मिले, सभी को, जन जन को आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमारा निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनको आगे बढ़ने में कोई रुकावटें ना आए, सरकार की अड़चने ना आए, समाज व्यवस्था उनके सपनों को दबोच न दे, उनको अधिकतम अवसर मिले, वो जितना फलना फूलना चाहे, खिलना चाहे, हम एक वातावरण बनाए. हमारे बुजुर्ग हो, हमारे दिव्यांग हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे दलित पीड़ित शोषित हो, हमारे जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी भाई बहन हो, हर किसी को उनकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, एक सामर्थ्यवान हिंदुस्तान हो, एक विकास की निरंतर गति को बनाए रखने वाला, लगातार नई ऊंचाइयों को पार करने वाला हिंदुस्तान हो, दुनिया में हिंदुस्तान की साख हो. यार इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान की दमक भी हो, वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम चाहते हैं. मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पहले भी टीम इंडिया की कल्पना आपके सामने रखी है. जब 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी होती है, जन जन देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ता है, 125 करोड़ सपने, 125 करोड़ संकल्प, 125 करोड़ पुरुषार्थ जब निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में चल पड़ते हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज बड़ी नम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 में इस देश के 125 करोड़ नागरिकों ने सिर्फ सरकार बना करके वो रुके नहीं थे. 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बना करके रुके नहीं थे, लेकिन वे देश बनाने के लिए जुटे भी हैं, जुटे भी थे और जुटे रहेंगे भी. मैं समझता हूं यही तो हमारे देश की ताकत है. 125 करोड़ देशवासी, हिंदुस्तान के 6 लाख से अधिक गांव, आज श्री अरविंद का भी जन्म जयंती है. श्री अरविंद ने बहुत सटीक बात कही थी. श्री अरविंद ने कहा था, राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, नहीं ये
सिर्फ संबोधन है, नहीं ये कोई कोरी कल्पना है। राष्ट्र एक विशाल शक्ति है जो असंख्य छोटी छोटी इकाइयों को संगठित ऊर्जा का मूर्त रूप देती है। श्री अरविंद की ये कल्पना ही आज देश के हर नागरिक को आगे देश को ले जाने में जोड़ रही है। लेकिन हम आगे जा रहे हैं, वो पता तब तक नहीं चलता है जब तक हम कहां से चले थे उस पर अगर नजर न डालें, कहां से हमने यात्रा का आरंभ किया था अगर उसकी ओर नहीं देखेंगे तो कहां गए हैं, कितना गए हैं, इसका शायद अंदाज नहीं आएगा। और इसलिए 2013 में हमारा देश जिस रफ्तार से चल रहा था, जीवन के हर क्षेत्र में 2013 की रफ्तार थी, उस 2013 की रफ्तार को अगर हम आधार मान के सोचे और पिछले 4 साल में जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। शौचालय ही ले लें, अगर शौचालय बनाने में 2013 की जो रफ्तार थी उसी रफ्तार से चलते तो शायद कितने दशक बीत जाते शौचालय 100% पूरा कर देते हैं। अगर हम गांव में बिजली पहुंचाने की बात को कहें, अगर 2013 के आधार के आधार पर सोचें तो गांव में बिजली पहुंचाने के लिए शायद 1-2 दशक और लग जाते हैं। अगर हम 2013 की रफ्तार से देखें तो एलपीजी गैस कनेक्शन गरीब को, गरीब मां को धुआं मुक्त बनाने वाला चूल्हा अगर 2013 की रफ्तार से चले होते तो उस काम को पूरा करने में शायद 100 साल भी कम पड़ जाते अगर 13 की रफ्तार से चले होते तो। अगर हम 13 की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करते रहते, ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करते तो शायद पीढ़ियां निकल जाती उस गति से ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान के गांवों में पहुंचाने के लिए। ये रफ्तार, ये गति, ये प्रगति, ये लक्ष्य, इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, देश की अपेक्षाएं बहुत है, देश की आवश्यकताएं बहुत है और उसको पूरा करना सरकार हो, समाज हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सबने मिलजुल करके प्रयास करना ये निरंतर आवश्यक होता है और उसी का परिणाम है आज देश में कैसा बदलाव आया है। देश वही है, धरती वही है, हवाएं वही हैं, आसमान वही है, समंदर वही है, सरकारी दफ्तर वही हैं, फाइलें वही हैं, निर्णय प्रक्रियाएं करने वाले लोग भी वही हैं, लेकिन 4 साल देश बदलाव महसूस कर रहा है। देश एक नई चेतना, नया उमंग, नए संकल्प, नई सिद्धि, नया पुरुषार्थ उसको आगे बढ़ रहा है और तभी तो आज देश 2 गुनी हाईवे बना रहा है तो देश 4 गुना गांवों में नए घर बना रहा है। देश आज रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन कर रहा है तो देश आज रिकॉर्ड मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। देश आज रिकॉर्ड ट्रैक्टरों की बिक्री हो रही है, गांव का किसान ट्रैक्टर, रिकॉर्ड ट्रैक्टर की खरीदी हो रही है तो दूसरी तरफ देश में आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा हवाई जहाज खरीदने का भी काम हो रहा है। देश आज
स्कूलों में शौचालय बनाने के विक्रम कर रहा है, तो देश आज नए आईएम, नए आईआईटी, नए एम्स इसकी स्थापना कर रहा है। देश आज छोटे छोटे स्थानों पर नए स्किल डेवलपमेंट के मिशन को आगे बढ़ा करके नए नए सेंटर खोल रहा है, तो हमारे टायर टू टायर थ्री सिटी में स्टार्टअप की एक बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। भाइयों बहनों, आज गांव 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 तक डिजिटल इंडिया, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो एक संवेदनशील कर सरकार एक तरफ डिजिटल हिंदुस्तान बने इसके लिए काम कर रही है, तो दूसरी तरफ मेरे जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए कॉमन साइन उसकी डिक्शनरी बनाने का काम भी उतने ही लगाव के साथ आज हमारा देश कर रहा है। हमारा देश का किसान इन दिनों आधुनिकता वैज्ञानिकता और जाने के लिए माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर उस पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ 99 पुरानी बंद पड़ी सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चला रहा है। हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो पहुंच जाती है। संकट से गिरे मानव को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा माया ममता के साथ पहुंच जाती है, लेकिन वही सेना जब संकल्प गले करके चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके के आ जाती है। यह हमारा देश विकास का कैनवास कितना बड़ा है, एक भी छोर देखिए, दूसरा छोर देखिए, देश पूरे बड़े कैनवास पर आज नए उमंग और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं गुजरात से आ रहा हूं। गुजरात में एक कहावत है, निशान चूक माफ, लेकिन नहीं माफ नीचा निशान। एम बड़े होने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, उसके लिए मेहनत पड़ती है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन अगर लक्ष्य बड़े नहीं होंगे, लक्ष्य दूर के नहीं होंगे, तो फिर फैसले भी नहीं होते हैं, विकास की यात्रा भी अटक जाती है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए आवश्यक है कि हम बड़े लक्ष्य लेकर के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करें। और जब लक्ष्य डुलमुल होते हैं, हौसले बुलंद नहीं होते हैं, तो समाज जीवन के जरूरी फैसले भी सालों तक अटके पड़े रहते हैं। एमएसपी देख लीजिए, इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, पटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। जीएसटी कौन सहमत नहीं था, सब कोई चाहते थे जीएसटी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाते, फैसले लेने में मेरा अपना लाभ, गैर लाभ, राजनीति, चुनाव, यही चीजों का दबाव रहता था। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया, व्यापारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मैं देश के व्यापारी आलम को, छोटे मोटे उद्योग करने वाले आलम को जीएसटी के साथ शुरू में कठिनाइयां आने के बावजूद भी उसको गले से लगाया, स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा। आज हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर को ताकतवर बनाने के लिए इंसॉल्वेंसी का कानून हो, बैंकरप्सी का कानून हो, किसने रोका था पहले, नहीं होता था, इसके लिए एक ताकत लगती है, दम लगता है, विश्वास लगता है और जनता जनार्दन के प्रति
उन्होंने समर्पण लगता है तब निर्णय हो। बेनामी संपत्ति का कानून क्यों नहीं लगता? जब हौसले बुलंद होते हैं, देश के लिए कुछ करने का इरादा होता है, तो बेनामी संपत्ति के कानून भी लागू होते हैं। मेरे देश की सेना के जवान तीन तीन चार चार दशक से वन रैंक वन पेंशन के लिए मांग कर रहे थे। वो डिसिप्लिन में रहने के कारण आंदोलन नहीं करते थे, लेकिन आवाज सुना रहे थे, कोई नहीं सुनता था। किसी ने तो निर्णय करना होता था। आपने उस निर्णय की जिम्मेवारी दी, हमने इसको पूरा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कड़े फैसले लेने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। दल हित के लिए काम करने वाले हम लोग नहीं, और उसी के कारण हम संकल्प लेकर के चल पड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के कालखंड में पूरी दुनिया भारत की भी हर बात को देख रही है, आशा अपेक्षा से देख रही है, और इसलिए भारत की छोटी छोटी चीजों को भी, बड़ी चीज हो तो भी, विश्व बड़ी गहराई के साथ नजर करता है। आप याद करिए, 2014 के पहले दुनिया की गणमान्य संस्थाएं, दुनिया के गणमान्य अर्थशास्त्री, दुनिया में जिनकी बात को अधिकृत माना जाता है, ऐसे लोग कभी हमारे देश के लिए क्या कहा करते थे। वो भी एक जमाना था जब दुनिया से आवाज उठती थी, विद्वानों से आवाज उठती थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिस्क भरी है, उनको रिस्क दिखाई देता था। लेकिन आज वही लोग, वही संस्था है, वही दोस्त बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि रिफॉर्म मोमेंटम फंडामेंटल को मजबूती दे रहा है। कैसा बदलाव आ गया! एक समय था, घर में हो या घर के बाहर, दुनिया एक ही कहती है, रेड टेप की बात करती थी, लेकिन आज रेड कार्पेट की बात हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 तक पहुंच गए, आज पूरा विश्व इसको गर्व से ले रहा है। वो भी दिन था जब विश्व मान करके बैठा था, भारत यानी पॉलिसी पैरालिसिस, भारत यानी डिलेड रिफॉर्म। वो बात हम सुनते थे, आज भी अखबार निकाल के देखोगे तो दिखाई देगा। लेकिन आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक के बाद एक नीति विषयक समयबद्ध निर्णयों के सिलसिला। वो भी एक वक्त था जब विश्व भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनता था, दुनिया चिंतित थी कि दुनिया को डुबाने में भारत भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है, फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती हो रही थी। लेकिन आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। वहीं से आवाज बदल गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया भारत के साथ जुड़ने की चर्चा करते समय, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते थे, कभी बिजली जाने से ब्लैकआउट हो गया उन दिनों को याद करती है, कभी बॉटल नेक की चर्चा करती थी। लेकिन वही दुनिया, वही लोग, वही दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले लोग इन दिनों कह रहे हैं सोया हुआ हाथी भारत के लिए, कह रहे सोया हुआ हाथी अब जग चुका है, चल पड़ा है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है, और दुनिया के अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कह रही है, आने वाले 3 दशक तक, 30 साल तक विश्व की अर्थ ताकत को भारत गति देने वाला है, भारत एक विश्व के विकास का नया स्रोत बनने वाला है। ऐसा विश्वास आज भारत के लिए पैदा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है,
नीति निर्धारित करने वाले छोटे मोटे जिन जिन संगठनों में आज हिंदुस्तान को जगह मिली है, वहां हिंदुस्तान की बात तो सुनना जा रहा है। हिंदुस्तान उसमें दिशा देने में, नेतृत्व करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। दुनिया के मंचों पे हमने अपनी आवाज को बुलंद की है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई वर्षों से जिन संस्थाओं में हमें सदस्यता का इंतजार था, आज देश को विश्व की अनगिनत संस्थाओं में हमें स्थान मिला है। आज भारत पर्यावरण की चिंतावानों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशानी की चर्चा करने वाले लोगों के लिए भारत एक आशा का किरण बना है। आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे विश्व में उसकी अगुवाई कर रहा है। आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी पैर रखता है तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लालायित होता है। उसकी आंखों में एक चेतना आ जाती है हिंदुस्तानी को देख करके। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। हर भारतीय के आत्मविश्वास ने एक नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प पैदा किया है। मेरे प्यारे देशवासी, विश्व में कहीं पर भी अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है तो आज उसे भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे खड़ा रहेगा, मेरा देश संकट के समय में मेरे साथ आ जाएगा। और इतिहास गवाह है, पिछले दिनों की अनेक घटनाएं जिसके कारण हम आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व में भी भारत की तरफ देखने का नजरिया जैसे बदला है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी जब कभी नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी तो क्या खबरें आती थी? वो खबरें जो लगता था कि अच्छा हो ऐसी खबरें ना आए तो अच्छा हो। लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से उन खबरों को लेकर के आ रहा है जो देश को भी प्रेरणा दे रहा है। आज खेल के मैदान में देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट की दमक नजर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट की खबर आ रही है कि आखिरी गांव में बिजली पहुंच गई और रात भर गांव नाचता रहा। आज नॉर्थ ईस्ट से ये खबर आ रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में हाईवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज और इंफॉर्मेशन वेज, हाईवेज, उसकी खबरें आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आज बिजली के ट्रांसमिशन लाइन लगाने का बहुत तेजी से काम आज नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान वहां बीपीओ खोल रहे हैं। आज हमारे शिक्षा संस्थान नए बन रहे हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बन रहा है। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मेजबानी कर रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है। हमने 4 साल के भीतर भीतर दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश 65% जनसंख्या, 35 साल की उम्र की, हम देश के जवानों के लिए गर्व कर रहे हैं। देश की नव युवा पीढ़ी का गर्व कर रहे हैं। हमारे देश के युवाओं ने आज अर्थ के सारे मानदंडों को बदल दिया, प्रगति के सारे मानदंडों में एक नया रंग भर दिया। कभी बड़े शहरों की चर्चा हुआ करती थी, आज हमारा देश टायर 2 टायर 3 सिटी की बात कर रहा है। कभी गांव के अंदर जाकर के आधुनिक खेती में लगे हुए नौजवान की चर्चा कर रही है। हमारे देश के नौजवान ने नेचर ऑफ जॉब उसको पूरी तरह बदल दिया है। स्टार्टअप हो, बीपीओ हो, ई कॉमर्स हो, मोबिलिटी का क्षेत्र हो, ऐसे नए क्षेत्रों को आज मेरे देश का नौजवान अपने सीने में बांध करके नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाने के लिए लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 13 करोड़ मुद्रा लोन बहुत बड़ी बात होती है। 13 करोड़, और उसमें भी 4 करोड़ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं
जिन्होंने जिंदगी में पहली बार कहीं से लोन लिया है और अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार पर आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बदले हुए वातावरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हिंदुस्तान के गांवों में डिजिटल इंडिया के सपने को आगे ले जाने के लिए 3 लाख हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर मेरे देश की युवा बेटे और बेटियां चला रही है और हर गांव को, हर नागरिक को पलक झलकते विश्व के साथ जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज मेरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए रूप ले लिए हैं। रेल की गति हो, रोड की गति हो, हाईवे हो, नए एयरपोर्ट हो, एक प्रकार से हमारा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। विश्व के संदर्भ में हो और भारत की आवश्यकता के संदर्भ में कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा जब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था। ये सामर्थ्य हमारे वैज्ञानिकों का है। हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ था कि मंगलयान की सफलता और पहले ही प्रयास में सफलता विश्व के अंदर हमारे लोग मंगल के कक्षा में प्रवेश किया, वहां तक पहुंचे, ये अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि थी। आने वाले कुछ दिनों में हमारे इन वैज्ञानिकों के आधार कल्पना और सोच के परिणाम स्वरूप नाविक उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। देश के मछुआरों को, देश के सामान्य नागरिक को नाविक के द्वारा दिशा दर्शन का एक बहुत बड़ा काम आने वाले कुछ ही दिनों में हम लगाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए। भाइयों बहनों, हमारा देश आज अन्न के भंडार से भरा हुआ है। विक्रम अन्न उत्पादन, मैं देश के किसानों को, खेतर मजदूरों को, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को, देश में कृषि क्रांति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है,
हमारे किसान को भी, हमें कृषि बाजार को भी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होता है, वैश्विक बाजार का सामना करना होता है। जनसंख्या वृद्धि होती हो, जमीन कम होती जाती हो, तब हमारी कृषि को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे ले जाना, ये समय की मांग है। और इसलिए आज हमारा पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए चल रहा है। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है, जिनको आशंका होती है बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं। और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं है, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। मक्खन पे लकीर तो कोई भी कर लेता है, अरे पत्थर पर लकीर करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, जी जान से जुटना पड़ता है। और इसलिए आजादी के 75 साल होंगे तब तक देश के किसानों को साथ लेकर के कृषि में आधुनिकता ला करके, कृषि के फलक को चौड़ा कर करके हम आज जाना चाहते हैं। बीज से लेकर के बाजा तक हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, हम आधुनिकरण करना चाहते हैं, और कई नई फसलें भी अब रिकॉर्ड उत्पादन करने आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में पहली बार हम देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम, हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकत के साथ खड़ा रहे। आज नई कृषि क्रांति, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, सोलार फार्मिंग, ये नए दायरे खुल चुके हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खुशी की बात है कि आज हमारा देश दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मछली उत्पादन में पहुंच चुका है, और देखते ही देखते वो नंबर एक पर भी पहुंचने वाला है। आज हनी शहद का एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। आज गन्ना किसानों के लिए खुशी होगी कि हमारे इथेनॉल का उत्पादन 3 गुना हो गया है, यानी एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितना कृषि का महत्व है उतना ही ऑन कारोबारों का है। और इसलिए हम विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा अरबों खरबों के रुपयों के माध्यम से गांव की जो संसाधन है, गांव का जो सामर्थ्य है, उसको भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। खादी, पूज्य बापू का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, आजादी से अब तक जितनी खादी बेचने की परंपरा थी, मैं आज नम्रता से कहना चाहता हूं खादी की बिक्री पहले से डबल हो गई है, गरीब लोगों के हाथ में रोजी रोटी पहुंची है। मेरे भाई बहनों, सोलार फार्मिंग, मेरा देश का किसान अब सोलार फार्मिंग की ओर भी बल देने लगा है। खेती के सिवाय के समय वो सोलार फार्मिंग से भी बिजली बेच करके भी कमाई कर सकता है। हमारा हथकरघा खर्च चलाने वाला व्यक्ति, हमारे हैंडलूम की दुनिया के लोग, ये भी रोजी रोटी कमाने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी मानव की गरिमा ये सुप्रीम होती है। मानव की गरिमा के बिना देश संतुलित रूप से न जी सकता है, न चल सकता है, न बढ़ सकता है। और इसलिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, हमने उन योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो सम्मान भर जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। नीतियां ऐसी हो, रीति ऐसी हो, नियत ऐसी हो कि जिसके कारण सामान्य मानवी, गरीब से गरीब मानवी भी हर किसी को अपने आप को बराबरी के साथ जीने का अवसर देखता हो। और इसीलिए उज्ज्वला योजना हो, हमने गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया हो, सौभाग्य योजना हो, गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया हो, श्रमेव जयते को बल देते हुए
हम आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। कल ही हमने हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन सुना, उन्होंने बड़े विस्तार से ग्राम स्वराज अभियान का वर्णन किया, किस प्रकार से 65,000 गांवों में, क्योंकि जब भी सरकार की बातें आती हैं तो कहते हैं नीतियां तो बनती है लेकिन लास्ट में डिलीवरी नहीं हुई। कल राष्ट्रपति जी ने बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया कि किस प्रकार से आकांक्षी जिलों के 65,000 गांवों में दिल्ली से चली हुई योजना को गरीब के घर तक, पिछड़े गांव तक कैसे पहुंचाया गया है, इसका काम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 2014 में इसी लाल किले की प्राचीर से जब मैंने स्वच्छता की बात की थी तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था, अरे सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, ये स्वच्छता जैसे में अपनी ऊर्जा क्यों खपा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। अगर वो न होता तो 3 लाख बच्चे, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको स्वच्छता में भागीदार बनकर के इन 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचाने का, पुण्य पाने का अवसर न मिला। गरीब के 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचना कितना बड़ा मानवता का काम है, विश्व संस्था इसको रिकग्नाइज कर रही है। भाइयों बहनों, अगला वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पूज्य बापू ने अपने जीवन में आजादी से भी ज्यादा महत्व स्वच्छता को दिया था और वह कहते थे हमने भी आज गांधी बापू के 150 वर्ष, स्वच्छ भारत, आजादी मिली सत्याग्रहियों से, स्वच्छता मिलेगी स्वच्छाग्रहियों से। गांधी जी ने सत्याग्रही तैयार किए थे और गांधी जी की प्रेरणा ने स्वच्छाग्रही तैयार किए हैं और आने वाले 150वीं जयंती जब मनाएंगे तब ये देश पूज्य बापू को स्वच्छ भारत के रूप में, ये हमारे कोटि कोटि स्वच्छाग्रही मां पूज्य बापू को कार्यांजलि समर्पित करेंगे और एक प्रकार से जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं उस सपनों को पूरा कर। मेरे भाइयों बहनों, ये सही है कि स्वच्छता ने 3 लाख लोगों की जिंदगी को बचाया है, लेकिन आरोग्य, कभी बीमारी, कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है, कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार ये प्रारंभिक हैं, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है जो हम इस देश को देने वाले हैं। और आज 15 अगस्त से इसके लिए जो टेक्नोलॉजी के टूल बने हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो, तो रुकावट ना हो, इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है
और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2 टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के लिए अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, कोई गरीब गरीबी में जीना नहीं चाहता, कोई गरीब गरीबी में मरना नहीं चाहता, कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता। वो छटपटा रहा होता है जिंदगी भर गरीबी से बाहर निकालने के लिए। और इस संकट से बाहर आने के लिए गरीब को सशक्त बनाना यही उपचार है, यही उपाय है। हमने पिछले 4 साल में गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में बल दिया है, हमारा प्रयास रहा है गरीब सशक्त हो। और अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में भारत में 5 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, जब गरीब के सशक्तिकरण का काम करते हैं, और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता था, 10 करोड़ परिवार यानी क्या, 50 करोड़ जनसंख्या यानी क्या, बहुत कम लोगों का अंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। अगर मैं पूरे यूरोप की जनसंख्या गिन लूं तो करीब करीब उतनी ही जनसंख्या भारत में इस आयुष्मान भारत के लाभार्थी बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, गरीब को सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन योजनाएं तो कभी बनती है लेकिन बिचौलिए, कटकी कंपनी उसमें से मलाई खा लेती है, गरीब को गरीब के हक का मिलता नहीं है। खजाने से पैसा जाता है, कागज पे योजनाएं दिखती है, देश लूटता चला जाता है और सरकारें आंखें मूंद करके बैठ नहीं सकती, और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे व्यवस्था में जो आई विकृतियां हैं, उस विकृतियों को खत्म करके देश के सामान्य मानवीय के मन में विश्वास पैदा करना बहुत आवश्यक है। और यह दायित्व राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हम सबने मिलकर के निभाना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। आप जानकर के हैरान होंगे, जब से हम इस सफाई अभियान में लगे हैं, लीकेज बंद करने में लगे हैं, 6 करोड़ लाभार्थी सरकारी दफ्तर में ऐसे थे, कोई उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होता था, गैस कनेक्शन का लाभार्थी, डुप्लीकेट गैस कनेक्शन वाला, कोई राशन कार्ड का लाभार्थी होता था, कोई स्कॉलरशिप का लाभार्थी होता था, कोई पेंशन का लाभार्थी होता था, लाभ मिलते थे। लेकिन 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उनके नाम से पैसे जा रहे थे। इन 6 करोड़ नामों निकालना कितना बड़ा कठिन काम होगा, कितनों लोगों को परेशानी हुई होगी, जो इंसान पैदा ना हुआ, जो इंसान धरती पर नहीं है, ऐसे ही फर्जी नाम लिख करके रुपये मार लिए जाते थे। इस सरकार ने इसको रोका है, भ्रष्टाचार, काला धन, ये सारे कारोबार को रोकने की दिशा में हमने काम उठाया है।
भाइयों बहनों, और इसका परिणाम क्या है? करीब 90,000 करोड़ रुपया, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपया जो गलत लोगों के हाथ में गलत तरीके से गलत कामनाओं से चले जाते थे, वो आज देश की तिजोरी में बचे हैं, जो देश के सामान्य मानवीय की भलाई के लिए काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये होता क्यों है? ये देश गरीब की गरिमा के लिए काम करने वाला देश है, हमारा देश का गरीब सम्मान से जिए इसके लिए काम करने वाला, लेकिन ये बिचौलिए क्या करते थे आपको तो पता होगा। बाजार में गेहूं की कीमत 24-25 रुपये है, जबकि राशन कार्ड पर सरकार वो गेहूं 24-25 रुपये में खरीद करके सिर्फ 2 रुपये में गरीब तक पहुंचाती है। चावल बाजार में कीमत 30-32 रुपया है, लेकिन गरीब को चावल मिले इसलिए सरकार 30-32 रुपये में खरीद करके 3 रुपये में राशन कार्ड वाले गरीब तक पहुंचाते हैं। यानी कि 1 किलो गेहूं कोई चोरी कर ले गलत फर्जी नाम से तो उसको तो 20-25 रुपये ऐसे ही मिल जाते हैं, 1 किलो चावल मार ले तो उसको 30-35 रुपये ऐसे ही मिल जाते हैं। और इसी कारण ये फर्जी नामों से कारोबार चलता था, और जब गरीब राशन कार्ड दुकान पे जाता था वो कहता था राशन खत्म हो गया, राशन वहां से निकल के दूसरी दुकान पे चला जाता था, और वो 2 रुपये से मिलने वाला राशन मेरे गरीब को 25-25 रुपये से खरीदना पड़ता था, उसका हक छीन लिया जाता था भाई। और इसलिए हम इस फर्जी कारोबार को बंद किया और उसको रोका। भाई बहनों, हमारे देश के कोटि कोटि गरीबों को 2 रुपये में 3 रुपये में खाना मिलता है, सरकार उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक खर्च कर रही है, लेकिन इसकी क्रेडिट सरकार को नहीं जाती है। और मैं आज विशेष रूप से मेरे देश के ईमानदार करदाताओं से कहना चाहता हूं कि आज जब दोपहर को आप खाना खाते हो, पल भर के लिए परिवार के साथ बैठ करके मेरी बात को याद करना। मैं आज ईमानदार करदाताओं के दिल को छूना चाहता, उनके मन मंदिर में नमन करने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरे देशवासियों, जो ईमानदार करदाता है, जो टैक्स देता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ईमानदार व्यक्ति कर देता है उन पैसों से ये योजनाएं चलती हैं, ये योजनाओं के पुण्याई अगर किसी को मिलती है तो सरकार को नहीं, मेरे ईमानदार कर देताओं को मिलती है, टैक्स पेयर को मिलती है। और इसलिए जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप विश्वास कीजिए, आपके कर देने की ईमानदार प्रक्रिया का परिणाम है कि जब आप खाना खा रहे हैं उसी समय 3 गरीब परिवार भी खाना खा रहे हैं, जिसका पुण्य ईमानदार करदाता को मिलता है और गरीब का पेट भरता है। देश में कर न भरने की हवा बनाई जा रही है, लेकिन जब करदाता को पता चलता है कि उससे कर से, उसके टैक्स से भले वो अपने घर में बैठा है, एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, लेकिन उसके टैक्स से उसी समय 3 गरीब परिवार अपना पेट भर रहे हैं, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या सकता है, इसके उससे ज्यादा मन को पुण्य क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज देश ईमानदारी का उत्सव लेकर के आगे बढ़ रहा है और ईमानदारी का उत्सव लेकर के चल रहा है। देश में 2013 तक डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड़ थी, यानी पिछले 70 साल की हमारी गतिविधि का परिणाम था कि देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले 4 करोड़ लोग थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये 4 करोड़ से भी कम 2013 तक, और आज ये संख्या करीब
करीब दोगुना होकर के 7.25 करोड़ हो गई है। कहां 3-4.5 करोड़ और कहां 7.25 करोड़, ये ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण है। देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है, इसका उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स 70 साल में हमारे देश में जितने इनडायरेक्ट टैक्स में उद्यमी जुड़े थे वो 70 साल में 70 लाख का आंकड़ा पहुंचा था, 70 साल में 70 लाख। लेकिन सिर्फ जीएसटी आने के बाद पिछले एक वर्ष में ये 70 लाख का आंकड़ा 1.16 करोड़ पर पहुंच गया। भाइयों बहनों, मेरा देश का हर व्यक्ति आज ईमानदारी के उत्सव में आगे आ रहा है। जो भी आगे आ रहे हैं मैं उनको नमन करता हूं, जो आगे जाना चाहते हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब देश परेशानियों से मुक्त गौरवपूर्ण करदाता का जीवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देश को बनाने में योगदान दे रहे हैं। आपकी परेशानियां ये हमारी परेशानियां हैं, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपके योगदान से हमें देश को आगे बढ़ाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम काला धन भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। कितनी आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों, क्योंकि देश को दीमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। और इसलिए हमने, आपने देखा होगा, अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुवर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, ये वक्त बदल चुका है। हमने देश में, कुछ लोग अपने घरों में बैठ के कहते थे अरे सरकार की वो नीति बदल दूंगा, टिकना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उनके सारी दुकानें बंद हो गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं। भाइयों बहनों, भाई भतीजे बात तो हमने खत्म। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 लाख संदिग्ध कम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं चालू की है। हमने आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और उसका परिणाम है कि आज पर्यावरण, एक समय था पर्यावरण की मंजूरी यानी करप्शन के पहाड़ चढ़ते जाना तब जाकर के मिलती थी, भाइयों बहनों हमने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है और भारत के संसाधनों का सही उपयोग हो, इस पर हम काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बैठी हुई हैं। कोई भी भारत की नारी गर्व कर सकती है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में आज 3 महिला माननीय न्यायाधीश आज हमारे देश को न्याय दे रही हैं। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद ये पहली कैबिनेट है जिसमें सर्वाधिक महिलाओं को स्थान मिला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं, जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हमारी मां बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य
आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा कर रही है। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो तो कभी कभी विकृतियां भी हम देख रहे हैं, और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राक्षसी शक्तियां भी कभी कभी उभर करके आ जाती है। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है उससे लाखों गुना पीड़ा हमें देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पर लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए, और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है, और उससे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रचार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे। भाइयों बहनों, मेरी मुस्लिम महिलाएं बहनें, उनको मैं आज लाल किले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है, और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा, और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सेना हो, अर्धसैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, हमारे पुलिस बल हो, हमारी खुफिया एजेंसी हो, इनकी एकजुटता ने देश में आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, एक आंतरिक सुरक्षा का एहसास पैदा किया है, एक शांति के वातावरण को उनके त्याग, तपस्या और कठोर परिश्रम के कारण
एक नया विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, आए दिन नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं की खबरें आती थी, अलगाववाद की खबरें आती थी, बम बंदूक पिस्तौल की घटनाएं सुनाई देती थी, लेकिन आज एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो तीन तीन चार चार दशक से लगा हुआ था, आज मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, राज्य सरकारों की सक्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की विकास की योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों का परिणाम है कि आज कई वर्षों के बाद त्रिपुरा और मेघालय दो राज्य पूरी तरह आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के भी कई जिले इससे मुक्त हो गए हैं। इन्हें गिने जिलों में अब यह स्थिति बची। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है। आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण, जो लेफ्टविंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जम्मू और कश्मीर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें रास्ता दिखाया है और वही रास्ता सही है, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर बेली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानवी की आकांक्षाओं को पूर्ण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, सिंचाई की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दल झील के पुनर्निर्माण का, पुनरुद्धार का काम भी और हम चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के गांव का हर इंसान, मुझे एक साल से आकर के मांग कर रहे थे, वहां के पंच मुझे सैकड़ों की तादाद में आकर के मिलते थे और वो मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमें पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुनाव दीजिए। किसी न किसी कारण से वो रुका हुआ था। मुझे खुशी है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा, अपना स्वयं व्यवस्था खड़ी करने का अवसर मिलेगा। और अब तो भारत सरकार से इतनी बड़ी मात्रा में पैसे सीधे गांव के पास जाते हैं, तो गांव को आगे बढ़ाने के लिए वहां के चुने हुए पंच के पास ताकत आएगी। और इसलिए बहुत निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव हो, स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जन सामान्य और हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, सबका साथ यानी सबका साथ। और इसलिए हम ऐसे लक्ष्य तय करके चलते हैं। और मैं आज फिर एक बार इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रह करके लाल किले की प्राचीर से कोटि कोटि देशवासियों को उन संकल्पों को दोहराना चाहता हूं, संकल्पों का उद्घोष करना चाहता हूं जिसके लिए हम अपने आप को खपा देने के लिए तैयार है। हर भारतीय के पास अपना घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर के पास बिजली कनेक्शन हो, पावर फॉर ऑल, हर भारतीय को धुएं से मुक्ति मिले रसोई में, और इसलिए कुकिंग फॉर ऑल, हर भारतीयों को जरूरत के मुताबिक जल मिले, और इसलिए वाटर फॉर ऑल, हर भारतीय को
शौचालय मिले, और इसलिए सैनिटेशन फॉर ऑल, हर भारतीय को कुशलता मिले, और इसलिए स्किल फॉर ऑल, हर भारतीय को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसलिए हेल्थ फॉर ऑल, हर भारतीय को सुरक्षा मिले, इसलिए सुरक्षा का बीमा, सुरक्षा कवच मिले, और इसलिए इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर भारतीय को इंटरनेट की सेवा मिले, और इसलिए कनेक्टिविटी फॉर ऑल, इस मंत्र को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, लोग मेरे लिए भी बाती बह की बातें करते हैं, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता हो क्योंकि देश, कई देश हमसे आगे निकल चुके हैं, मैं बेसब्र हूं मेरे देश को उन सारे देशों से भी आगे ले जाने के लिए। मैं बेसब्र हूं, मैं बेचैन हूं मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बेसब्र भी हूं, मैं बेचैन भी हूं, मैं बेचैन हूं हमारे देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है, एक बहुत बड़ा बॉटल नेक बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है, इसलिए मैं बेचैन। मेरे देशवासियों, मैं व्याकुल हूं, मैं व्याकुल हूं ताकि गरीब तक समुचित हेल्थ कवर प्राप्त हो, इसके लिए मैं बेचैन हूं, ताकि मेरे देश का सामान्य व्यक्ति भी बीमारी से लड़ सके, भिड़ सके। भाइयों बहनों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र भी हूं, मैं व्यग्र हूं ताकि अपने नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग उसका अवसर प्रदान हो, उसमें भी सुधार आए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र हूं, मैं अधीर भी हूं, मैं क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति जो ज्ञान के अधिष्ठान पर चलने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति है, उस चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व आईटी जिसके उंगलियों पर है, वो मेरा देश उसकी अगुवाई करे, इसके लिए मैं अधीर हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आतुर हूं, क्योंकि मैं आतुर हूं क्योंकि चाहता हूं कि देश अपनी क्षमता और संसाधनों का पूरा लाभ उठाए और विश्व में गर्व के साथ हम आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जो हम आज हैं, हम कल उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें ठहराव मंजूर नहीं है, हमें रुकना मंजूर नहीं है, और झुकना तो हमारे स्वभाव में नहीं है। ये देश न रुकेगा न झुकेगा, ये देश न थकेगा। हमें नई ऊंचाइयों पर आगे चलना है, उत्तरोत्तर प्रगति करते चलना है। भाइयों बहनों, वेद से वर्तमान तक विश्व की चीर पुरातन विरासत के हम दरी है, हम पर इस विरासत के आशीर्वाद है, उस विरासत ही हमारे आत्मविश्वास की बदौलत है, उसको लेकर के हम भविष्य के और आगे बढ़ना चाहते। और मेरे प्यारे देशवासी, हम सिर्फ भविष्य देखने वाकर अटकना नहीं चाहते हैं, हम भविष्य भी देखना चाहते हैं, लेकिन भविष्य के उस शिखर को भी पहुंचना चाहते हैं, भविष्य के शिखर को सपना लेकर के हम चलना चाहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक नई आशा, नया उमंग, नया विश्वास, देश उसी से चलता है, देश उसी से बदलता है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें।
हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नवयुग है, नव भारत है। हम निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, जिद है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार आजादी के पावन पर्व पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए जय हिंद के मंत्र के साथ उच्च स्वर से मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। Mr. Modi, sharing his government's achievements, hopes and vision for the country. An excited group of young children greeting the Prime Minister. It's truly a memorable occasion for all of them. And now hundreds of balloons in the colors of the national flag being released, going up, rising skywards as if towards a higher calling. And here at Red Fort, the independence